जैस्मिन की चाल हुई फ्लॉप, नहमत की हुई अद्वैत से शादी। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल उजारिया की। आज के एपिसोड में हमने देखा नहमत अपने निखिल के साथ बैठे होने की बात समझ जाते हैं। निखिल नहमत को देखकर हैरान हो रहा होता है, वहीं सभी दुल्हन की अदला बदली से परेशान होते हैं। शैली सियापे से दूर जाती है, वहीं रूपी सत्ती पर चिल्ला रहा होता है। सत्ती शैली को भी डांट लगाती है और अनर्थ होने से बच जाने की बात कह रही होती है। शैली जैस्मिन की बातों से डर जाती है, वहीं जैस्मिन से हरलीन एकम के बारे में सवाल पूछ रही होती है। नहमत और नाज सही दुल्हों के साथ मंडप में बैठते हैं, वहीं अद्वैत नहमत को मुसीबत का दूसरा नाम कह रहा होता है। जैस्मिन दुल्हन को सही जगह देखकर हैरान हो जाती है, वहीं जैस्मिन ये शादी किसी भी कीमत पर ना होने की बात कह रही होती है। शैली जैस्मिन को मंडप से दूर लेकर जाती है, वहीं जैस्मिन और शैली की लड़ाई हो जाती है। शैली जैस्मिन पर चिल्ला रही होती है और सारी गलती नहमत की होने की बात कहती है। वहीं जैस्मिन को शैली रोकने की कोशिश करती है, जैस्मिन जयमाल देखकर टूट जाती है। वहीं शैली को जैस्मिन थप्पड़ तक मार देती है। जैस्मिन नाज की बात करते हुए इमोशनल हो जाती है, वहीं एकम शादी रोकने के लिए आ रहा होता है। शैली जैस्मिन को शांत कराती है, वहीं सोच समझ कर कदम उठाने की बात कह रही होती है। शैली नाज और निखिल का डाइवोर्स कराने की बात भी जैस्मिन से कहती है। शैली जैस्मिन को नींद की गोली जूस में मिलाकर पिला देती है। वहीं नहमत को एकम से हुई बातें और साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। एकम शादी के मंडप में आ जाता है, वहीं नहमत एकम से ये शादी न करने की बात कहता है। नहमत एकम को देखकर खुश हो रही होती है, वहीं एकम नहमत और अद्वैत की गांठ खोल देता है। एकम नहमत से माफी मांगता है, वहीं एकम नहमत के बिना मर जाने की बात कह रहा होता है। एकम नहमत से ये शादी ना करने को भी कहता है। वहीं नानू और सत्ती नहमत और एकम को एक साथ देखकर खुश हो जाते हैं। एकम नहमत को गोद में लेकर फेरे लेता है, वहीं एकम नहमत को अपने साथ लेकर चला जाता है। नहमत ये सब अपने सपने में देख रही होती है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा, क्या होगी अब जैस्मिन की नई चाल, क्या एकम रोक पाएगा अद्वैत और नहमत की शादी। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।